अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी टाइम हो गया ऊपर आने का, हम ऊपर आ गए हैं और आज कल नहीं नहा सके, आज बर्तन ले आया हूँ सही से और आज कबूतर को नहलाएंगे। इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का स्टार्ट। और अगर आप मेरे चैनल अभी अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस जरूर करें। ये बर्तन पे सुराख थे जो कल बताया था, इसका जुगाड़ किया है, बबल लगा दी, फ्रेश अप खाकर वो लगा दी, तीन जगह पे सुराख थे। तो अभी इसमें पानी डालते हैं और फिर कबूतर खोल दें। मम्मा जीशा माई फिर आए हैं। एक और भर के लाओ। मम्मा जीशम कह रहे थे अब मैं खुद पानी डालूंगा। चलो शाबाश, मामू का अच्छा बच्चा ये तो। चलो अब कबूतर खोल दो वो नल। चल सही नहीं लगा, सही नहीं लगा, दरवाजा बंद हो रहा तेरा, जल्दी वापस जा। चल अब वो नल बंद कर करा। देखे कबूतर कैसे उड़ते हुए हैं पानी के चक्र में, नहाने के चक्र में। ये लाल वाली कबूतरी तो काफी दिनों से लगी हुई थी पानी के लिए, रखते थे उसमें नहाने की शुरू हो जाती थी। तो अभी नया बर्तन इसलिए डर रहे हैं, पास नहीं जा रहे हैं। तो पहले वाला बर्तन छोटा था, ये अम्मी ने बोला ये पुरानी मेरे पास पड़ी हुई है, किसी काम की नहीं है, सुराख हुए ये ले लो। तो फिर हमने जुगाड़ कर लिया, पाकिस्तानी पता आपको जुगाड़ी है, तो इसलिए इसको बबल खाई 2 रुपए की और नीचे लगा दी, साथ में काम हो गया। तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल में ये लाल कबूतर ही जाने लगा है। नहीं उनको नहीं, अभी छोड़ो, आए लेट हो गया थोड़ा सा, इसलिए मुर्गों को बाद में देखेंगे, वो भी पागल हुआ हुआ मुर्गा भी। अभी नहाना किसी ने स्टार्ट नहीं किया, मम्मा जीशम को सा तंग कर रहे हैं, कह रहा मुर्गे को छोड़े पहले। नहीं इनको दाना खाने दो ना पहले, फिर इनको खाने नहीं देता ना वो बिल्ली की तरफ। ये बंदा कौन सा ना, ये बच्चा, ये किसी चीज से नहीं डरता, अब उधर बिल्ली के बच्चे पकड़ने चला गया। चलो जी, लाल ने बिस्मिल्लाह कर दी है, अब एक गया तो अब सब शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले लाल ने शुरुआत की है जो हमने पकड़ा था, ये अब आस्ता आस्ता सब आ जाएंगे। ये देखो नहाकर बहुत खुश हो जाते हैं, इसलिए हफ्ते के हफ्ते के बाद ना हम नहला देते हैं, साथ में साफ रहते हैं। देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं नहाते हुए, उनको नहीं चढ़ा, नहीं तो उन्होंने नहाने नहीं देना था इनको। लाल को मार के बाहर निकाल दिया है, अब वो सब बीच में जा पड़ेंगे। सब अपनी बारी का नया इंतजार कर रहे हैं, बारी नंबर लगाया हुआ है, जो बीच में चला जाता उसको 2 मिनट बाद फिर मार के निकालना शुरू कर देते हैं। मैं पास इसलिए नहीं जा रहा, मैं जाऊंगा तो ये डर के मारे फिर उड़ जाते हैं या अंदर चले जाते हैं।
वो देखो जो सबसे पहले गया था वो अपने अपर सुखाने में लगा हुआ। भाई ये तो बीच में सोने ही लग गए, बड़े आराम से बैठ गए बीच में और सो रहे हैं। बड़ा बर्तन था इसलिए आज लड़ाई नहीं हो रही इतनी, वो बीच में सुकून से बैठ रहे हैं। ये देखें देखो माशाल्लाह से कितने प्यारे लग रहे हैं। मुर्गा कैसे जान देता है, थोड़ा सा पीछे तो बजा कर, बीच में ही आ गया मोतू जी। अल्हम्दुलिल्लाह सबको बुद्धा ने नहा लिया है, दीवार पे बैठ गए हैं, कुछ ये बाहर है कुछ अंदर चले गए हैं सूखने के लिए, तो आज नहीं उड़ाएंगे क्योंकि पर इनके गिले हैं, सारी जगह गिली कर दी है, अब सुकून से बैठ गए हैं। अब इनको मुर्गा और मुर्गी को छोड़ेंगे क्योंकि इन्होंने नहा लिया, अब ये बैठ गए हैं जी। अब मुर्गा और मुर्गी को खोलने का टाइम होगा लेकिन हाथ नहीं पहुंच रहा। खेच ना। ये देखो इसके काम चेक करो, ऊपर हाथ नहीं पहुंच रहा, उसने कटोरा ही उल्टा करके ऊपर बैठ गया है। अभी वो ऊपर है, वो आते हैं दिन के बीच में इसके मुर्गा और मुर्गी का खाना डालते हैं। मैं नीचे से लेकर आया था वो देख, इसके बीच में डाल दे, इसके बीच में मोरेगा दी तो तुझे। हाँ वीडियो बन रही है जी। इनको भी प्याज और टमाटर डाल दिया, ये खाना शुरू कर दिया इन्होंने। आ जाएंगे खुद ही, इनको खाना डाल दिया, वो टमाटर का छिलके लेके भाग गए। खा लो आराम से। पीछे ना गिर जाना कुकू कुकू, इधर आके खड़ा हुआ करना यार, इधर इस साइड पर। मैं भी डालूंगा, मुझे भी दे। नहीं दादा अबू मुझे भी दे। आज चने फिर लेकर आए थे, हमने बड़ा शौक से खाते इसलिए ले चले। वो चना वाली कटोरी नीचे रख दी लेकिन वो डर रहा है, लेकिन जाएगा जाएगा जाएगा, जाएगा, जाएगा। अबे भाई इधर आ जा, जाएगा। कल आरिज ने तंग किया हुआ था, वो हर वीडियो के आगे आगे आ रहा था। ये मुझे इसका डर है, ये सीढ़ियों पे ना गिर जाए, इस साइड में सीढ़ियां और ये बैग जाता है। डर रहा आ वेला डर मुर्गे नु पंदा ही। ये देखें कटोरी में नहीं खा रहे थे, वो डर रहे थे, लेकिन चने फिर वैसे ही डाल दिया भाई ने। ये खा ले मुर्गा भी, ये सब फिर एक दफा ये छत यहाँ से इतनी सी धो देंगे हम। गंदी नहीं, कल साफ कर दी थी मैंने। आज वाला व्लॉग देखना मैंने जाके अपने मोबाइल पे घर जाकर। ये कबूतर बंद कर दिए हैं, अब इतनी सी छत को सी जगह खराब की हुई पानी से, हमने बोला पानी मार दे, धोने लगे हैं। एक कबूतर वो बैठा हुआ अभी उड़ने गया हुआ था, अभी तक आया नहीं है।
की अजान भी हो रही है और साथ में ये शिकार आ गया। ये बैठा हुआ, ये कब से घूम रहा था, कब से बैठा हुआ था आप लोग, तभी कबूतर भाई ने छोड़ दिए। तो अभी इसको पकड़ते हैं, अगर पकड़ा गया तो वो दिखा दिए, वो भी दिखा दिए। ये कबूतर अभी सारे निकाल दिए। खैर देख तो इधर कोई रहा है। ये गया वो उधर को, निकल गया वो भी आज। कबूतर भी छोड़ा दोबारा, लेकिन फिर भी हाथ से निकल गया। ये जी शाम का टाइम हो गया, तो मम्मी ने सब्ज़ी बनाई नीचे, तो प्याज के छिल्ली वगैरह ले आए, तो इनको रात को ही भूख लगी हुई थी, मैंने चलो इनको अभी डाल देते हैं। अभी कबूतर भी सारे आ गए, वही पिंजरा बंद करते हैं। कबूतर जी सारे आ गए। उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग मेरा पसंद आया होगा आपको, तो मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। तो इधर ही मैं व्लॉग का करता हूँ एंड। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।